समाचार शाम के 6 बजे हैं। खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। नगरपालिका की सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उन्होंने एक ज्ञापन सीएमओ को और कलेक्टर को सौंपा। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। उनका कहना है कि उन्हें वेतनमान ठीक ढंग से नहीं दिया जा रहा है, इसके अलावा समय पर वेतन नहीं मिलता, समान काम समान वेतन का हक उनको मिलना चाहिए, इसके अलावा अन्य मांगे हैं। इस तरीके से 11 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने धरना दिया है और उनका कहना है कि 7 दिन का समय दिया जा रहा है, अगर 7 दिन तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर वे हड़ताल पर चले जाएंगे। इस मामले में सीएमओ का कहना है कि जल्द ही इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। शासन ने विनियमितीकरण की आदेश किए हैं, इनको लाभ दिया जा रहा है। ये पूरी प्रक्रिया पूरे आदेश में चल रही है। कई जगह हो चुकी है, कई जगह और कर्मचारियों अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के बैनर तले इन सफाई कर्मचारियों ने ये धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 7 दिन के अंदर अगर उनकी मांगे नहीं सुनी जाएंगी तो फिर वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। नियमितीकरण के मांग के साथ साथ समान वेतन समान कार्य और इसके अलावा 1 से 5 तारीख के अंदर उनके वेतन के भुगतान को लेकर भी मांग की गई है कि उन्हें समय से वेतन नहीं मिलता और कई कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें उधार लेकर अपना गुजारा करना पड़ता है। माननीय मुख्य नगर पालिका अधिकारी और कलेक्टर महोदय ने ज्ञापन दे चुके हैं और अपनी समस्याओं से अवगत करा चुके हैं, जिसमें हमारी मुख्य समस्या नियमितीकरण एवं कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, अनुकंपा नियुक्ति एवं क्रमोन्नति पदोन्नति जैसी प्रमुख मांगे हैं, जिन पर आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसपे सफाई कर्मचारियों में संतोष व्याप्त है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए कई आदेश जारी किए हैं जो सफाई कर्मचारियों के हित में है, लेकिन कई नगरपालिका नगर निगमों में इनका पालन नहीं किया जा रहा है। तो खबर दिनभर में शाम 6 बजे बस इतना ही। अगले घंटे कुछ नए अपडेट के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।